कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे खाद्य तेल बाजार के बारे में, खास तौर से जानेंगे बाजार में सबसे पहले सरसों के बारे में, देखेंगे किस तरह से कीमतें बाजारों में सरसों सीड में आज देखी जा रही है कुछ मंडियों में। साथ ही बात करेंगे आज बाजारों में ट्रेंड और आज के उतार चढ़ाव के बारे में। मगर उससे पहले, चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले सरसों के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग विदेशी बाजारों के बारे में जान लेते हैं। बाजारों में खबरें आ रही हैं कि खबरों के अनुसार चीन कोविड के तहत लगी हुई पाबंदियों को पूरी तरह से हटा रहा है, और पाबंदियां हटते ही उम्मीद है कि आगामी दिनों में चीन की खाद्य तेलों की आयात की मांग जो है वो बढ़ेगी। इसीलिए विश्व बाजार में खाद्य तेल की कीमतें तेज होने का भी अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके कारण सरसों में मजबूती आपको देखने को मिल सकती है। कीमतें जो सरसों सीड की चल रही हैं वो बाजारों में ऑलरेडी 7,000 के पार जा चुकी हैं। कीमतों के बारे में अगर बात करी जाए तो जयपुर की मंडियों में सरसों सीड का जो रेट चल रहा है वो 7100 रुपए है। दिल्ली कीमतें 6800 रुपए है। 50 रुपए गिरावट के साथ दिल्ली में आप कारोबार देखकर चल सकते हैं। अलवर में सरसों सीड का रेट 7000 रुपए देखा जा रहा है। ग्वालियर के बारे में अगर बात करते हैं, 6300 से लेकर 6400 रुपए का लेवल चल रहा है। ग्वालियर में 100 रुपए तक की गिरावट के साथ आप कारोबार देखकर चल सकते हैं, और हिसार का रेट 6400 रुपए है। 50 रुपए तक की बढ़त हिसार की मंडियों में आज दर्ज करी गई है। सरसों को लेकर अगर ट्रेंड के बारे में बात करी जाए तो इंडोनेशिया के घटते पाम तेल स्टॉक जैसे कारणों की वजह। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। कारणों की वजह से विदेशी आयात तेज हो रहे हैं। देश में स्टॉक लिमिट लागू देखी गई थी, इसीलिए सरसों या सरसों तेल में कहीं स्टॉक नहीं था। त्योहारी मांग के साथ साथ सर्दी की मांग ने सरसों तेल को गर्म किया है, और इसमें और भी गर्मी आने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। सूरजमुखी और बिनौला तेल में भी तेजी बनी हुई है। घरेलू बाजार में सर्दी की मांग की वजह से सरसों तेल तेज हो रहा है, और विशेषज्ञों के अनुसार सोया और पाम में इस सप्ताह तेजी बने रहने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। ऐसे में सरसों तेल में आपको आने वाले समय में और भी तेजी देखने को मिल सकती है, और ऐसे में हमारी सलाह यही रहेगी कि आपके पास अगर स्टॉक है तो आप इसमें ऊपरी स्तर पर अपना प्रॉफिट बुक करते हुए जरूर चले, और लंबे टाइम के लिए स्टॉक करने का ये बिल्कुल उचित समय नहीं है। और साथ ही सरसों को होल्ड आप कर सकते हैं, क्योंकि तेजी का माहौल है। सरसों जल्द ही आपको 7500 तक भी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड आज फिलहाल के लिए बेहद पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हैं तो लाइक जरूर कीजिए, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आज तक की खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।